नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी माँ को विदाई। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान थे तैनात। नाथनगर सिटीएस मैदान में रावण दहन का हुआ आयोजन, मेयर सीमा साने लगाई आग। पूजा के दौरान शांति समिति के सदस्यों की भूमिका रही अहम, सामाजिक एकता की पेश की मिसाल। और 25 अक्टूबर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, दूर दराज से आने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भागलपुर में मां दुर्गा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे आगे पर्वती की प्रतिमा ततारपुर चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंची। स्टेशन चौक पर महिलाओं ने मां दुर्गा की आरती उतारी। इसके पूर्व सभी प्रतिमा अपने तय रूट के अनुसार पर्वती की प्रतिमा के पीछे पहुंच गई थी। पर्वती दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक कामेश्वर यादव ने बताया कि पर्वती मां दुर्गा की प्रतिमा अपने स्थान से तय समय पर शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन मार्ग पहुंची। वहीं समिति के चिरंजीवी कुमार धुरी, सूरज यादव और दिवाकर ने बताया कि विसर्जन शोभा यात्रा में 2 दर्जन से अधिक प्रतिमा शामिल हुई। हजारों की संख्या में भक्त मां दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं मां दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। जिले भर में मां दुर्गा को सौहार्द एवं शांतिपूर्ण माहौल में श्रद्धालुओं ने अश्रुपूर्ण आंखों से विदाई दी। इस दौरान सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। मां की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। साथ ही मां के जयकारे, जय अम्बे जय जगदम्बे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कई जगह पर महिलाओं ने आईने में माता के मुख का दर्शन किया और सिंदूर खेला कर मां को विदाई दी। विसर्जन यात्रा के दौरान बज रहे डांडिया धुन पर महिलाएं युवतियां जमकर थिरकी। महिलाओं ने जगह जगह मां दुर्गा की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया, साथ ही मां से सुख शांति का वरदान मांगा। श्रद्धालुओं ने ढोल तासे नगाड़े और ढाक की थाप के साथ रंग गुलाल उड़ाते भक्तिपूर्ण माहौल में नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी और अगले साल फिर से दर्शन देने के लिए मां दुर्गा को शीश झुकाकर प्रणाम किया। वहीं मिर्जान हाट मोदी नगर विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर डांडिया नृत्य किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मां को विदाई दी। वहीं विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था भी दुरुस्त दिखी। सौहार्द एवं शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए SSP ने खुद जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जिले भर में अलग अलग घाटों पर देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं नौगछिया के तेतरी मंदिर, सुल्तानगंज, कहलगांव, बांका सहित जिले के कई जगहों से भी 10 दिनों तक मां की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने बुधवार को मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी।
भागलपुर पुलिस ने दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए। बुधवार को विसर्जन मार्ग पर बिहार पुलिस के जवान के साथ सभी चौक चौराहों और विसर्जन मार्ग पर रैफ के जवान मुस्तैद दिखे। सिटी SP सुशांत कुमार सरोज और सिटी DSP राजवंश सिंह समेत कई अधिकारी शोभा यात्रा की निगरानी कर रहे थे। सिटी DSP राजवंश सिंह ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस के जवान तैनात किए गए। वहीं ततारपुर चौक और स्टेशन चौक पर माँ दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा को देखते हुए काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बलों को लगाया गया था। सुरक्षा की कमान संभाल रहे सिटी DSP राजवंश सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा 100 समय प्रतिमा निकाली गई है, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद है और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। 69 दुर्गा पूजा महासमिति और प्रशासन ने तय किया था उसके हिसाब से सब कुछ विधिवत चल रहा है। 3 बजे के पहले सबसे आगे चलने वाली पार्वती की मूर्ति आ गई और विधिवत यहाँ से प्रस्थान करके विसर्जन घाट के लिए और बाकी सब मूर्तियाँ भी आ रही हैं। सभी मूर्ति के साथ पर्याप्त मात्रा में और अन्य जगहों पर भी विजयादशमी के दिन वर्षों से रावण दहन की परंपरा रही है। नाथनगर के CTS मैदान में मंगलवार को रावण दहन का आयोजन हुआ। रावण दहन को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ CTS ग्राउंड में मौजूद थी। CTS मैदान में बने 35 फीट के रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को मेयर सीमा शाह, पूर्व उपमेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, पप्पू यादव एवं रामलीला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दहन किया। रावण के दहन होते ही पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मेयर सीमा शाह ने कहा कि रावण दहन एक सामाजिक परंपरा है, इसमें भाग लेने के बहाने लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इससे मन का भेदभाव मिटता है और लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। वहीं डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि रावण दहन असत्य पर सत्य की जीत है। वहीं रावण दहन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और यहाँ पर आज CTS में बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर रावण का दहन किया गया है, उसी तरह से हम अपने मन विचार और समाज में जो भी रावण बैठे हुए हैं उनका भी वध करें। वध किसी गोली बंदूक से नहीं, बल्कि अपने विचार से, अपने कार्यों से और अपने जो भी अपने मन की भावना है उसके तहत हम उसका वध करें। यही संदेश मैं लोगों को देना चाहूंगी। आज नाथनगर के 81 धरती कर्म की धरती पे हर साल की भांति रामलीला कमेटी के द्वारा 150 साल पुराना ये जो रावण वध होते हैं, आज हमारे मेयर साहिबा के द्वारा रावण वध हुआ गया और हमारा ये बाढ़ के कारण, नहीं तो यहाँ लाखों की भीड़ होती है, आज पूरे भागलपुर में बाढ़ के कारण तमाम लोग रोड पर हैं, इसलिए तमाम भागलपुर की जनता को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भागलपुर में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने में दुर्गा पूजा महासमिति, शांति समिति और विभिन्न सामाजिक समितियों की अहम भूमिका रही। बुधवार को ततारपुर चौक से जब माँ दुर्गा की विसर्जन शोभा यात्रा गुजर रही थी, उस वक्त भी समिति के सदस्य काफी सक्रिय दिखे और प्रतिमा को श्रद्धा और आस्था के साथ आगे बढ़ाया। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति के कार्यकारी अध्यक्ष चिरंजीवी कुमार धूरी ने कहा कि सभी के सहयोग से भागलपुर में वर्षों से माँ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के दौरान पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, रेणु देवी, अनीता सिंह, अभय कुमार घोष, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, पार्षद प्रतिनिधि असगर अली, जुम्मन अंसारी, डॉक्टर फारूक अली, मिंटू कलाकार, प्रकाश चंद्र गुप्ता, महबूब आलम, वर्दी खान समेत दर्जनों समाज से भी मौजूद रहे। वहीं दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शांति के दूतों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी कोई बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद देख रहे हैं और जो चीज देख रहे हैं, लोग जो समझ रहे हैं उसकी बताने की आवश्यकता नहीं। आपने देख रहे हैं कि कितने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग अभी ततारपुर चौक पे खड़े हैं। 2 बजे है, हमारे महासमिति और समिति ने डिसीजन लिए थे कि 2 बजे हम लोग ततारपुर चौक आएंगे और 3 बजे तक स्टेशन। उसके पीछे बहुत बात थी, लाइन का, लॉन ऑर्डर और भी व्यवस्था, आप देख रहे हैं पूरे अफसर लोग लगे हुए हैं। पर्वती समिति जो बात किया और उस पर वो खरा उतरे और आप देख रहे हैं कि कितना पीसफुल ढंग से आपके साथ चल रहे हैं। जिन लोगों का काम में कुछ कमी रहा उसमें बोलने में परहेज नहीं, उसका हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और बड़े अफसर से उनकी शिकायत करेंगे। दुर्गा पूजा महासमिति का जो आज विसर्जन शोभा यात्रा निकला इस ततारपुर चौक पर, देखिए शांतिपूर्ण रूप से जो चल रहा है दुर्गा पूजा का,
जरूर, और इसमें क्या हिंदी क्या मुस्लिम, ये भी मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यहाँ के लोगों ने, केदारपुर के लोगों या जिला शांति समिति का प्रशासन हो या महापूजा समिति के लोग हो, सारे लोग मिलकर इसी केदारपुर चौक पर शांतिपूर्ण रूप से विसर्जन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विजयादशमी 10 दिन के उपवास के बाद आज विजय जुलूस निकला है, और इसमें जो हमारे श्रद्धालु भाई हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के सभी साथी जो हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं, और हम समझते हैं शांति सद्भाव का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ाई है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, यही विजयादशमी है। आज पुनः भागलपुर शांति और सद्भाव और श्रद्धा का एक विशाल आपको देने के लिए आ रही है। आपने देखा होगा विसर्जन शोभा यात्रा में जिस शालीनता के पूर्वक पर्वती और साहेबगंज ने अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाया है, वाकई में पूरा बिहार डीजे या आपका अन्य सभी बातों को लेकर के इन्होंने जो यहाँ पर एक मैसेज दिया है वो पूरे भागलपुर नहीं पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके माध्यम से भागलपुर के सभी लोगों को और आपके क्षेत्र के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से दुर्गा पूजा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि सभी की सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करें। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों, बक्सर, बिहार, सभी देश के लोगों को मैं महाअष्टमी का और दुर्गा पूजा का नवरात्र का बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मंगलमय हो, सर्वमंगल मांगल्य, शिवी सर्वान शांति, सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही जयं देही यशो देही विशो देही। मैं डॉक्टर डीपी सिंह भागलपुर वासियों के लिए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध बने और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। दुर्गा पूजा शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की आराधना करते हैं माँ दुर्गा की, और शक्ति का सदुपयोग करें, कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। भगवान यदि ईश्वर आपको आर्थिक और शारीरिक शक्ति दिया है तो मैं सबों से निवेदन करूंगा कि दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ है और उसी तरह से आप अपने माँ पिता का भी ख्याल रखें। भागलपुर शहरवासियों से अपील है कि आप ये दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शांति और सद्भाव बरकरार रखते हुए और बाढ़ पीड़ित को भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा कार्य करें कि जो इससे हमको कुछ बाढ़ पीड़ित को भी फायदा हो जाए। मैं यही अपील अपना भागलपुर से करता हूँ। मैं पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ, तथा मैं सभी छात्रों से एवं अभिभावकों से एवं तमाम देशवासियों से, खास करके अंगजन प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये दुर्गा पूजा के पर्व को सहज पूर्वक एवं सद्भावना पूर्वक मनाएं। भागलपुर वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपील करता हूं खुशी शांति सद्भाव एवं भाईचारा के साथ यह त्यौहार आप लोग मनाएं। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर सबों के घरों में सुख समृद्धि आए, शांति का वास हो, और साथ ही साथ भागलपुर की समस्त जनता एवं नाथ नगर विधानसभा के समस्त जनता को दुर्गा पूजा की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि क्षेत्र की समस्त जनता सुख समृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा में आगे बढ़ेगी। तमाम बिहार वासियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। हमारे यहां तिहाई हिस्सा नाथ नगर विधानसभा में बाढ़ से लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और बाढ़ प्रभावित इलाके में
मैं जा जाकर घूम घूम कर देखने का काम की हूँ। अपने पंचायत एवं प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बौसी एवं संपूर्ण अन्य क्षेत्र के छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सफल एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं वासुकी नाथ यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष कहलगांव। मैं अपनी तरफ से कहलगांव विधानसभा समेत पूरे देश पूरे प्रदेश वासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार से अंगीभूत कुशल युवा कार्यक्रम पंजवारा की ओर से सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुखिया ग्राम पंचायत पंजवारा पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव कुमार शाह मुखिया तेलोघा पंचायत सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुजीत कुमार प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबोध पासवान दलित सेना उपाध्यक्ष प्रखंड लोजपा अध्यक्ष सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासी और जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मंजर आलम मुखिया माधोपुर बथानी सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं संतोष कुमार यादव मुखिया लगमा पंचायत कहलगांव की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुरलीधर सा थानाध्यक्ष पंजवारा आप सभी ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निभा देवी मुखिया सरदारपुर पंचायत समस्त ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं परीक्षित पासवान थानाध्यक्ष वाराहाट आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद जय भारत। मैं पंकज कुमार यादव वार्ड प्रतिनिधि धुआबे पंचायत वार्ड संख्या 12 की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सलमान अनवर फिल्म की ओर से समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क नाली 24 घंटे बिजली पार्किंग जिम हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध। तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आनंद विहार से भागलपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से चलेगी। 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को यह ट्रेन आनंद विहार से खुलेगी, जबकि 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को यह ट्रेन भागलपुर से रवाना होगी। वहीं गांधीधाम गुजरात और भागलपुर के बीच भी 2 दिन स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 09451 और 09452 ट्रेन गांधीधाम से 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी। भागलपुर से यह ट्रेन 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को खुलेगी। मुंगेर गंगा पुल होकर चलने यह ट्रेन गांधीधाम से शुक्रवार की शाम 5:40 पर रवाना होगी और रविवार शाम 6 बजे भागलपुर पहुंचेगी। भागलपुर से हर सोमवार की सुबह 6:30 पर रवाना होगी और बुधवार की शाम 8 बजे गांधीधाम पहुंचेगी।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दिनों डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक माह के दौरान डेंगू के 150 मरीजों का इलाज अस्पताल में किया गया, जिससे कई मरीजों में डेंगू पाए गए। डेंगू के ज्यादातर मरीज जगदेशपुर, बहादुरपुर, चंपानगर, भिकनपुर और ततारपुर इलाके के हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामचरित मंडल ने बताया कि डेंगू के मरीजों का वार्ड में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल में मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी पाई गई है, उन्हें तुरंत चढ़ाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर भागलपुर जमात इस्लामी हिंद कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मतदाता सत्यापन को लेकर कई जानकारी दी। मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन का कार्य 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, पोर्टल और ऐप के जरिए अपने वोटर कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वहीं जमात इस्लामी हिंद के नगर अध्यक्ष सैयद शबीर अहमद ने बताया कि BLO के माध्यम से भी वोटर कार्ड को जरूरी दस्तावेज देकर सत्यापित कराया जा सकता है। बैठक के दौरान वोटर हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र और मतदाता सहायता केंद्र के जरिए वोटर कार्ड सत्यापित कराने की जानकारी दी गई। मोहम्मद एजाज नसीम ने कहा कि जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, उसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र देकर वोटर कार्ड सत्यापित कराना जरूरी है। वहीं मोहम्मद फारूक ने कहा कि NRC को ध्यान में रखते हुए मतदाता पहचान पत्र सत्यापित कराकर डिजिटल प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। बैठक में निर्णय लिया गया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर जमात इस्लामी समाज में जागरूकता अभियान चलाएगी। मौके पर सैयद हामिद हसन, मोहम्मद नफीस खां, मोहम्मद आमिर समेत कई सदस्य मौजूद थे। देखिए भाई, इलेक्शन कमिश्नर के जरिए वोटर जांच की जो मुहिम चलाई जा रही है और तस्दीक का काम हो रहा है, दरअसल ये मुहिम उन लोगों के लिए है जिनके नाम, उम्र, फोटो, किसी चीज़ में कोई खामी हो तो उसकी इसलाह की जाए। तो कोई भी काम जो हमारे सरकार हमारे लिए करती है, उसमें बहुत सारे फायदे हैं और उसकी बड़ी अहमियत है। आज वोटर लिस्ट के अहमियत के ताल्लुक से पहली बात हम ये कहें तो हमको इतनी बड़ी जमहूरी मुल्क में वोट देने का हक हासिल होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये शहरियत की पहचान ही है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब NRC का कोई मौका आएगा तो वहाँ हम ये सबूत फराहम करेंगे और उसके बाद कोई हमको ये नहीं कह सकता है कि तुम इस मुल्क के बाशिंदा नहीं हो। जमात इस्लामी हिंद ने पूरे मुल्क में वोटर इस्लाह की जो मुहिम है उसमें कोशिश की है कि पूरे मुल्क के लोग उसमें शामिल हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसी मुहिम के तहत भागलपुर शहर में भी जमात इस्लामी हिंद भागलपुर ये अपील करती है आप सभी लोगों से कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो सरकार ने कोशिश की है कि इसमें हम अपनी जो वोटर ID है या उसमें जो नाम दर्ज है उसमें कोई गलती हो गई है तो उसकी इसलाह कर लें और वेरीफाई करा लें। ये याद रखें कि ये काम सिर्फ 15 अक्टूबर तक के लिए है, तो तमाम सुस्ती दूर करें और तमाम कोताहियों को दूर करते हुए बढ़ चढ़ कर जल्द से जल्द इस काम में शामिल हों। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नम आंखों से श्रद्धालुओं ने दी मां को विदाई। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान थे तैनात। नाथनगर सिटीएस मैदान में रावण दहन का हुआ आयोजन, मेयर सीमा शाह ने लगाई आग। पूजा के दौरान शांति समिति के सदस्यों की भूमिका रही अहम, सामाजिक एकता की पेश की मिसाल। और 25 अक्टूबर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, दूर दराज से आने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।